फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज वन दे विच हो, लेवल वन दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, उह तुसी लो। राजस्थान में 15 विवादित आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सुप्रीम कोर्ट से बहाल, बर्खास्त अफसर को भी मिली तैनाती, पंकज चौधरी को मिली नई पोस्टिंग, नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ का ट्रांसफर। केंद्र से आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब, कहा हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध, सरकार से अभी भी है बातचीत जारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, मराठा आरक्षण पर होगी चर्चा। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 18 की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, पीएम मोदी ने जताया अफसोस। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, मैं हूं जुबैर खान और बुलेटिन का आगाज करेंगे यूपी से आने वाली इस बड़ी खबर के साथ। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के बाद 9 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बदमाशों के कब्जे से कुछ हथियारों के बरामद करने की खबर भी सामने आई है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर, पुलिस ने 3 बाइक्स भी बरामद की है। तो मुठभेड़ के बाद 9 बदमाश जहां गिरफ्तार किए गए हैं, बदमाशों के चंगुल से कुछ हथियारों को कब्जे में पुलिस ने लिया है, साथ ही 3 मोटरसाइकिल्स को भी पुलिस ने जब्त किया है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने की एक कामयाब कोशिश पुलिस के द्वारा, जहां पर बदमाशों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 9 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, अब इन पर नकेल कसी जा सकेगी। साथ ही बदमाशों के कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिलों के भी जब्त होने की खबर सामने आई। तो यूपी की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 9 बदमाश पुलिस की हिरासत में आए हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बदमाशों से पूछताछ के बाद कुछ नई जानकारियां और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में सोमवार को बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9, बांकुरा में 2, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। कोलकाता समेत दक्षिणी बंगाल के जिलों में दोपहर के बाद से भारी बारिश हुई, जिसे मौसम ने मानसून पूर्व बारिश बताया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली गिरने के कारण हुई मौत पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मोदी ने ट्वीट पर कहा कि पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार और रिश्तेदारों से मेरी खास संवेदना है, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से लोगों के मरने की घटना काफी दुखदायी है, मृतकों के परिजनों से मेरी खास संवेदना है, घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
पीएमओ ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से मरने वाले परिवारों के लिए पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति विश्वकर्मा मौजूद हैं। अदिति, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, 26 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ चुकी है, पीएमओ की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि उनको, यानी कि मरने वालों के जो परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, 2 लाख की राशि का ऐलान किया है, साथ ही गृहमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये जख्मों पर मरहम लगाने की एक कवायद है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये काफी दुखद भरी खबर है, 26 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से, तो जाहिर सी बात है ये 2 लाख रुपए जो है किसी के जिसे कहते हैं मरहम का काम नहीं कर पाएंगे। 2 लाख रुपए आखिरकार कितने दिनों चलेंगे? तो 2 लाख का जो मुआवजा, ये सिर्फ एक मरहम लगाने की कोशिश की गई है। और ये 26 जो लोगों की मौत हो गई है, लगातार जैसे बारिश का कहर जारी था और काफी दिनों से जो है बारिश पश्चिम बंगाल में हो रही थी, इससे पहले वहां पर तूफान आया हुआ था, तो देखा जाए तो बारिश के दिनों के बाद बिजली का गिरना एक आम बात है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों की मौत से जो है अब हड़कंप मच गया है पश्चिम बंगाल में, तमाम जिलों में जो है, जिसमें हुगली, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर शामिल है, तो इन तमाम जिलों में जिसे कहे कि टोटल जो जितने लोग हैं वो 26 लोगों की मौत हो गई है। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घायलों को 50,000 रुपए और जो मृतक के परिजन है उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये भी जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने तो ऐलान किया है कि घायलों के परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा, मरने वालों के जो परिजन है उनको भी मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है, तो क्या राज्य सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह का ऐलान किया गया है? हमने नहीं आया कि राज्य की तरफ से कोई ऐलान किया गया, फिलहाल पीएम मोदी की तरफ से जो पीएम फंड है उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उसमें से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और साथ ही जितने घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले अंदेशा जताया जा रहा था और कयास ये लगाए जा रहे थे, मौसम विभाग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वक्त रहते हमें जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और एहतियात के तौर पर, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, तमाम तरह की कोशिश की गई थी कि जो बंगाल की खाड़ी में आया है यास तूफान, उसकी आमद के बाद में कंट्रोल किया जाए स्थिति को, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटना एक तरह से हुई है, सामने आया है हमारे सामना और 26 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ कहा गया है कि अभी तक खतरा टला है या बरकरार है? देखिए आपको बता दूं, मौसम विभाग जो है वो तूफान के आने की अंदेशा जता सकता है, बारिश के आने का अंदेशा जता सकता है, लेकिन बिजली गिरने का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग जो है पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इसलिए जो आकाशीय बिजली जो होती है अचानक से ही लोगों पे, पहली बात तो जो एक सेंटर पाया जाता है वो लोहे का खंबा होता है, लेकिन इसके रास्ते में जो भी आता है तो उसको जाहिर बात है क्षति काफी ज्यादा पहुंचती है और ऐसे में लोगों की मौत तक हो जाती है। तो देखा जाता है तो ये आकाशीय बिजली जो है मौसम विभाग पहले से इसका अनुमान नहीं लगा पाती है, इस तरह की अभी तक टेक्नोलॉजी एडवांस हमारे पास नहीं है कि आकाश की बिजली गिरने की जो है पूर्व अनुमान लगाया जा सके। जी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सीएम उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि एक महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून खारिज किया था। वालसे पाटिल ने कहा कि पीएम के साथ बैठक के दौरान ठाकरे मराठा आरक्षण, चक्रवात तौकते के राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता, जीएसटी रिफंड जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान दिन भर की इस दिल्ली यात्रा के दौरान ठाकरे के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रमुख भी हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार शाम को ठाकरे से मुलाकात की थी। पिछले एक पखवाड़े में पवार की ठाकरे के साथ ये दूसरी बैठक है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।
कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे हां जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी होगी या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है ता जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जिहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मोहल्लिआं नूं बचाउणा है, तुसी जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही अशोक गहलोत सरकार एक्शन में दिख रही है। गहलोत सरकार ने सोमवार देर रात कई जिलों के एसपी समेत कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले का ऐलान किया। सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम शामिल हैं। तबादलों की लिस्ट में शराब तस्करी के मामले में विवादों में घिरे सिरोही जिले के एसपी हिम्मत अभिलाषा टाग भी हैं। ड्रग्स और नशे के कारोबार में उनको लंबे समय से देखा जा रहा था। साथ ही नौकरी में रहते हुए शादियों के मामले में बर्खास्त किए गए तेज तरार आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद पोस्टिंग पा गए हैं। हालांकि सरकार से 36 का आंकड़ा होने की वजह से इन्हें स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स में लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने नागौर सिरोही के अलावा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद सवाई माधोपुर और जयपुर में भी एसपी के तबादले किए हैं। माना जा रहा है कि एसपी और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और लिस्ट जल्दी आ सकती है। इस लिस्ट में नेताओं से पटरी नहीं बैठाने वाले आईपीएस अधिकारियों को जिलों से चलता किया जा सकता है। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीन के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए पैसा क्यों लेते हैं। राहुल ने फ्री वैक्सीन फॉर ऑल के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने राहुल का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम ने दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में एक महीने से ज्यादा का वक्त बिता दिया। आपको बता दें कि पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 21 जून से 18 साल से तमाम नागरिकों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगी। लक्षद्वीप के निवासियों ने कथित जनविरोधी कदम उठाने के मुद्दे पर प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटेल को वापस बुलाने और एक मसूदा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर तमाम लोगों ने यह मांग की है कि पानी के भीतर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अपने घरों के बाहर 12 घंटे की भूख हड़ताल लक्षद्वीप वासियों ने लगाई। प्रदर्शनकारियों ने लक्षद्वीप फोरम बचाओ के बैनर तले अरब सागर के भीतर और अपने घरों के बाहर LDAR कानून वापस लो और लक्षद्वीप के लिए न्याय लिखी हुई तख्तियां प्रदर्शित की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। लक्षद्वीप और केरल की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पटेल ने पशुओं के संरक्षण का हवाला देते हुए मुस्लिम बहुल द्वीपों पर शराब के सेवन से प्रतिबंध हटाने और गोमांस पर पाबंदी लगाने का फैसला खुद ही ले लिया और तटरक्षक कानून के उल्लंघन का हवाला देकर तटीय इलाकों में बने मछुआरों के शेड तुड़वा दिए। लगातार उठती मांग और अदालत के सवालों के बीच पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन वाले ऐलान की भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने खूब तारीफ की है, जो कि लाजमी भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस घोषणा से जनता को बड़ी राहत और कोरोना से लड़ने में एक नई ताकत मिलेगी। इस जनकल्याणकारी निर्णय के लिए मैं पीएम मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सभी देशवासियों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने और 80 करोड़ लोगों के लिए दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के लिए हम पीएम मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो IMA के अध्यक्ष JA जयलाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा
तमाम नागरिकों को मुफ्त टीका दिए जाने का ऐलान पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ यूपी की अयोध्या को नेशनल स्तर पर तैयार किए जाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें भावी अयोध्या और उससे जुड़ने वाले इंटरनेशनल स्तर के सड़कें, म्यूजियम, यात्री सुविधाओं के लिए केंद्र बनाए जाएंगे, जिसको मूर्त रूप देने के लिए आज आवास विकास परिषद के मुख्य सचिव दीपक कुमार और हाउसिंग बोर्ड कर आयुक्त अजय चौहान और आवास विकास परिषद के सचिव विशाल सिंह ने अयोध्या का इंस्पेक्शन किया। रामनगरी में आने वाली व्यवस्थाओं को लेकर L&T और कुकरेजा के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें सड़क से लेकर सरयू नदी रिवर फ्रंट के विकास पर 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाना है, जिसकी तैयारी के लिए वो आज अयोध्या पहुंचे। आवास विकास परिषद के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने नव अधिकार और अयोध्या के लिए शहबाजपुर में गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। जी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या, वो खुद भी स्वयं आकर के विकास कार्यक्रम देखते हैं। उनके मार्गदर्शन में एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट लगाया गया है ताकि एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टिकोण प्रपत्र बन सके। विभिन्न विभाग अलग अलग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, तो उनको समेकित करके एक समन्वय के साथ विकास किया जा सके। इनको ये भी कहा गया है कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ चल सकती हैं, वो चाहे टूरिज्म के दृष्टिकोण से हो, कल्चर के दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से हो, उस पर ये कार्य कर रहे हैं और उस पर ये विभागों से कंसल्ट करते हैं, अयोध्या के नागरिकों से, गणमान्य जो है उनसे भी किया है, प्रेस से भी उन्होंने पूछा है कि यहाँ की आवश्यकता क्या है और किस। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसी अनहोनी से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से पीड़ित और अन्य मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि निचले स्थानों, क्षतिग्रस्त भवनों और भूस्खलन वाली जगहों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने संरक्षित मंत्रियों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र में 9 जून से 12 जून के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान है, किसी अनहोनी का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखा जाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और गौतस्कर आमने सामने आ गए और उनकी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान कई राउंड गोली चली, मौके पर पहुंची पुलिस हरकत में आई और घेराबंदी कर अजमेरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को पुलिस से घिरता देख अजमेरी ने अवैध तमंचा से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाब में फायरिंग की, जिसमें गौतस्कर के पैर में गोली लग गई। घायल अजमेरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के कौशाम्बी में गौतस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और एक गौतस्कर अजमेरी को पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी है, जिसके बाद उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि अजमेरी पर इससे पहले भी गौतस्करी के इल्जाम लगते रहे हैं, उनके खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी दर्ज है, पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बधाने ने, जदों थोड़े एंटीबॉडीज बढ़नगे वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच, ए थोनू करवाना चाहिदा है। थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना, अगर किसी नू कोविड हो भी चुकया उन्हू भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन बदलते, ये जिहड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते ने, इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हाथ धोने,
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तुम तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ओडिशा के एक बढ़ई ने लकड़ी के बनाए पेज और फिर उन पन्नों में उकेर डाली पूरी हनुमान चालीसा। प्रतिभा के बेहतरीन इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए ओडिशा के अरुण साहू की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक प्रति वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को और दूसरी प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। अरुण ने कहा, मेरा सपना है कि मेरे जिले में एक छोटा संग्रहालय भी हो। मैं अपने संग्रहालय में तमाम लोकप्रिय स्थानों और मंदिरों की प्रतिकृति को लकड़ी पर तराश कर वहां रखना चाहता हूं। तो हमारा देश में 2 साल हो गया लॉकडाउन चालू है, तो मैं सोचा कि क्या करूँ। अब लॉकडाउन तो चालू है, घर पर बैठे गए, आइडिया क्या कि उटन में एक हनुमान चालीसा बने, हनुमान चालीसा ग्रंथ बने हिंदी में। और मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं इसके माध्यम से दो बनाए हूँ। हमारा जो स्टेट का जो ऑनरेबल CM सर है श्रीयुक्त नवीन पटनायक, उनको उनके लिए, और एक बनाए हूँ हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया हूँ। उनको मैं ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा है उनको देने के लिए। और मेरा विजन है कि हमारा स्टेट में, हमारे जिला में छोटा सा मिनी म्यूजियम, मेरा एक छोटा सा ड्रीम है। और सब जितने सारे हमारा विश्व के जितने सारे प्रसिद्ध स्थल है, जैसे मंदिर है, वो सब में। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां का ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए, और 7 मेंबर का ग्रुप अपने पिंडा दे विच घूमे, और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है, टेस्ट करो जैसे मैं थोनू दसिया, जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले उन्हें ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उन्हें भी टेस्ट करो, और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजा अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लिया च कंट्रोल आ सकती है। खबर नामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अयोध्या पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल की 24 राहें जब्त की है और साथ ही एक सेंट्रो कार को भी बरामद करने में कामयाबी लगी है। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि विगत वर्षों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। इसी क्रम में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सिटी और एएसपी के निर्देशन और क्लोज सुपरविजन में 31 सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोरों का गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अपराधी और 25 वाहन बरामद किए गए। उन 25 वाहनों में 24 टू व्हीलर है तथा 1 फोर व्हीलर है सेंट्रो। इन 4 अपराधियों ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती और लखनऊ, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है, इन जनपदों से ये वाहन लिफ्ट किए हैं। साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें शिक्षा या रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सदस्यों को कोविशील्ड टीके लगवाने की दूसरी खुराक लगवाने के लिए निर्धारित 24 दिन के अंतराल में छूट दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एसओपी के मुताबिक इन मामलों में भी दूसरी खुराक पहली खुराक लगाए जाने के कम से कम 28 दिनों बाद ही लगाई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड प्रणाली जल्द ही ऐसे अपवाद मामलों में दूसरी खुराक की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उसने कहा कि उसे हाल में ऐसे कई लोगों की तरफ से कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने के लिए अनुरोध मिले थे, जहां पहली खुराक ले चुके लाभार्थी को शिक्षा या रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी थी या फिर टोक्यो ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनना है और उनकी यात्रा की तारीख निर्धारित किए गए पहली खुराक से कम 84 दिन के अंतर से पहले आ रही है। ऐसे में लोगों को अब 28 दिनों के बाद ही कोविशील्ड की दूसरी खुराक दे दी जाएगी। जम्मू कश्मीर दुनिया भर में अपने खास किस्म के सेरीकल्चर के लिए मशहूर है। सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीड़ों का पालन कोई आसान काम नहीं है। ये काश्त काफी मेहनत के बाद ही आपको हासिल होती है। जम्मू कश्मीर सेरीकल्चर महकमा इन दिनों शहतूत के जरिए रेशम के कीड़ों का पालन करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेशम का प्रोडक्शन किया जा सके। ड्रोन के जरिए ये शूट्स बड़े हो जाते हैं। ये पत्ते जो है ये हम अब कीड़ों को खिलाते हैं, रेशम के कीड़ों को। जब ये होता है तब हम कीड़े पालते हैं यहाँ, फिर कीड़े कोकून बनाते हैं, उससे रेशम निकलते हैं, वो बहुत से काम में लगते हैं। जी हाँ, प्रोनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधे को ग्रोथ होने के लिए। तो हमारा प्रोनिंग का मकसद एक्चुअली क्या है? प्रोनिंग हमारी, एक तो हम इनको करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेन इसमें दो पार्ट है, एक तो ट्रेनिंग है, दूसरा प्रोनिंग है। तो ट्रेनिंग हम इस वक्त करते हैं कि हम इनको क्राउन बना के इनको एक शेप देते हैं, ताकि जो मिनिमम ब्रांच, जो मैक्सिमम ब्रांचेस इसको निकल जाएंगे। अभी हम प्रोनिंग जो करते हैं इसमें जो नी फ्लश आएगा और जो वीक ब्रांचेस है वो हम निकालते हैं, ताकि इनको एक उसमें क्या होता है कि सनशाइन जो होती है, क्योंकि जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट है वो मलबरी लीफ है। दैट लीफ, वो लीफ हमें चाहे, वो क्वालिटी लीफ एंश्योर तब हो सकता है जब उस पर धूप पूरी तरह उसका धूप का असर। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया और उन्हें 143 मत मिले। जबकि 191 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। शाहिद सितंबर में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। 193 सदस्यीय महासभा ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया। चुनाव में शाहिद के साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमीर रसूल भी उम्मीदवार थे और उन्हें 48 मत मिले। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर शाहिद को उनकी जीत पर बधाई दी। महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर साल गुप्त मतदान के जरिए चुनाव किया जाता है और जीत के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे।
फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें। फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज वन दे विचो लेवल वन दे विचो अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, उह तुसी लो। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर के बाद अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई है। सिंध प्रांत के डहार के इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद समूचे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में भिड़ंत के बाद चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान की हिफाजत करते हुए देखा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। रेस्क्यू टीमों का दावा है कि अभी भी काफी लोगों को बोगियों से निकाला जाना बाकी है। तो पाकिस्तान के डहार की से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर दो ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर के बाद कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब यह भिड़ंत ट्रेनों के बीच हुई तो उसके बाद ट्रेनों में चीख पुकार मच गई। रेलवे महकमे ने आनन फानन में रेस्क्यू टीम्स को इस बाबत अलर्ट किया, उनको सूचना दी। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने बहुत सारे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। हालांकि 50 से ज्यादा लोगों की इस भीषण ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन के बीच हुई इस भिड़ंत पर गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि मरने वालों को उनकी जरूरत के हिसाब से सरकार मुआवजा देगी। तो पाकिस्तान के डहार की से ये बड़ी खबर। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा है कि भारतीय नागरिक महल चौकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई के बारे में अदालत फैसला करेगी। 13,500 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी चौकसी के एंटीगुआ और बारामुडा से रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर सामने आई थी। उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद 23 मई को डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद स्केरिट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा कि मेहुल चौकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। एक स्थानीय मीडिया संस्थान ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि चौकसी के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसका फैसला अदालत तय करेगी। वहीं मेहुल चौकसी ने इल्जाम लगाया कि उसकी मित्र बारबका जबरिका ने उसके अपहरण में अहम भूमिका निभाई और इसमें एंटीगुआ पुलिस के कर्मी होने का दावा करने वाले लोग और भारतीयों की तरह दिखने वाले व्यक्ति शामिल थे। इस पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि चौकसी से एक शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयरटेल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम जियो टीवी गूगल प्ले यूट्यूब और एप स्टोर पर रात 9 बजे
एनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर नामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। आपके साथ सादावत बुलेटिन का आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में सोमवार यानी कि कल बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। तो यह राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9 और बांकुरा में 2 और पूर्वी मिदनापुर में, पश्चिमी मिदनापुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में दोपहर के बाद भारी बारिश हुई, जिसे मौसम कार्यालय ने मॉनसून पूर्व बारिश बताया। ऐसे में इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली गिरने के कारण हुई मौतों पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को देने की मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार और रिश्तेदारों से मेरी संवेदनाएं, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से लोगों के मरने की घटनाएं काफी दुखदायी हैं। मृतकों के परिजनों से मेरी संवेदनाएं हैं, घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार के लिए पीएमआरएफ के 2 रुपयों की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सीएम मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर तमाम चर्चाएं करेंगे। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सीएम उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर यह बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें, 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के संबंधित 2018 का आरक्षण कानून खारिज कर दिया था। वालसे पाटिल ने कहा कि पीएम के साथ बैठक के दौरान ठाकरे मराठा आरक्षण, चक्रवात तोक्ते के राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता, जीएसटी रिफंड जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें डिप्टी सीएम अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण दिनभर की इस दिल्ली यात्रा के दौरान ठाकरे के साथ मौजूद रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रमुख हैं। इस बीच आपको ये भी बड़ी जानकारी दे दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार शाम को ठाकरे से मुलाकात की थी, तो यहाँ पिछले एक पखवाड़ा में पवार ठाकरे के साथ ये दूसरी बैठक है। उधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो यहां अशोक गहलोत की सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। गहलोत सरकार ने सोमवार देर रात कई जिलों के एसपी समेत कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम शामिल है। तबादलों की लिस्ट में शराब तस्करी के मामले में विवादों में घिरे सिरोही जिले के एसपी हिम्मत अभिलाषा टाक भी शामिल है। ड्रग्स और नशे माफिया को लेकर स्थानीय नेताओं से टकराव की वजह से विवादों में घिरी नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ का भी तबादला कर दिया गया है। और ऐसे में इसी को देखते हुए नौकरी में रहते हुए दो शादियों के मामले में बर्खास्त किए गए तेज तरार आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद पोस्टिंग पा गए। हालांकि सरकार से 36 कांगड़ा होने की वजह से इन्हें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स में लगाया गया। राजस्थान सरकार ने नागौर सिरोही के अलावा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद सवाई माधोपुर और जयपुर में भी एसपी के तबादले किए जा रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले की ओर से एक लिस्ट जल्द ही आ सकती है और लिस्ट में नेताओं से पटरी पर नहीं बैठने वाले आईपीएस अधिकारियों को जिले से चलता किया जा सकता है। उधर पीएम मोदी के फ्री वैक्सीन के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए पैसा क्यों ले रहा है, तो यहां ये उन्होंने सवाल किया है। राहुल गांधी ने फ्री वैक्सीन फॉर ऑल के साथ ट्वीट किया। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने राहुल का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम ने दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में एक महीने से ज्यादा का समय लग गया है। गौरतलब है कि पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 21 जून से 18 साल के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन की मुहैया करवाएगी। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें यूपी से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, यूपी के फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है, तो यहां सड़क हादसा हुआ है। यूपी से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर हुई है, तो यहां बस की ट्रक से टक्कर हुई है और इस हादसे में 9 लोग घायल और 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत में 9 लोग घायल और कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिरोजाबाद के थाना मठसेना क्षेत्र की पूरी घटना है। यूपी से इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली से इटावा जा रही थी बस, तो ऐसे में रास्ते में यह बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है। डबल डेकर बस की ट्रक से ये हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोग घायल और 4 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से इटावा की ओर जा रही थी बस और रास्ते में ये बड़ा हादसा हुआ। 9 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 लोग घायल और 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डबल डेकर बस की ट्रक से यह बड़ा हादसा हुआ है। बस और ट्रक में टक्कर हो गई और इस हादसे में 9 लोग घायल और 4 लोग नाजुक बताए जा रहे हैं। लक्षद्वीप के निवासियों ने कथित जन विरोधी कदम उठाने के मुद्दे पर प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटेल को वापस बुलाने और एक मसौदा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पानी के भीतर विरोध प्रदर्शन किया और इसी के अलावा अपने घरों के बाहर 12 घंटे की भूख हड़ताल की गई। प्रदर्शनकारियों ने लक्षद्वीप फोरम बचाओ के बैनर तले अरब सागर के भीतर और अपने घरों के बाहर LDR कानून वापस लो और लक्षद्वीप के लिए न्याय लिखी हुई तख्तियां प्रदर्शित की हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की हैं और इसी को देखते हुए लक्षद्वीप और केरल की विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि पटेल ने पशुओं के संरक्षण का हवाला देते हुए मुस्लिम बहु द्वीपों पर शराब के सेवन से प्रतिबंध हटाने और गोमांस पर
पाबंदी लगाने का निर्णय खुद ले लिया। तटरक्षक कानून के उल्लंघन का हवाला देकर तटीय इलाकों में बने मछुआरों के शेड तक तुड़वा दिए गए। लगातार उठती मांग और अदालत के सवालों के बीच पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन वाले ऐलान की बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने खूब तारीफ की है, जो कि लाजमी भी है। तो यहां बताया जा रहा है कि कल जो घोषणा की गई उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सभी को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इस जनकल्याणकारी निर्णय के लिए उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि सभी देशवासियों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने और 80 करोड़ लोगों के लिए दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के लिए हम पीएम मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जे ए जयलाल ने भी कहा कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त टीका दिए जाने के ऐलान पर हम पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं। उधर रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ यूपी के अयोध्या को नेशनल स्तर पर तैयार किए जाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें भव्य अयोध्या और उनसे जुड़ने वाले इंटरनेशनल स्तर के सड़कें, म्यूजियम, यात्री सुविधाओं के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। और ऐसे में मूर्त रूप से आज आवास विकास परिषद के मुख्य सचिव दीपक कुमार, हाउस बोर्डिंग कर आयुक्त अजय चौहान और आवास विकास परिषद के सचिव विशाल सिंह ने अयोध्या का निरीक्षण किया। रामनगरी में आने वाली व्यवस्थाओं को लेकर एलएनटी और कुकरेजवा के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, जिसके तहत सड़क से लेकर सरयू नदी रिवर फ्रंट के विकास पर 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए अयोध्या पहुंचे आवास विकास परिषद के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने अयोध्या के शाहजपार में एक ग्रामीणों के साथ बड़ी बैठक की। की प्राथमिकताओं में है अयोध्या, वो खुद भी स्वयं आकर के विकास कार्यक्रम देखते हैं। उनके मार्गदर्शन में एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट लगाया गया है ताकि एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टिकोण प्रपत्र बन सके। विभिन्न विभाग अलग अलग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं तो उनको समेकित करके एक समन्वय के साथ विकास किया जा सके। इनको ये भी कहा गया है कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ चल सकती हैं, वो चाहे टूरिज्म के दृष्टिकोण से हो, कल्चर के दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से हो। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनवी न्यूज। पूरा देश इस वेले कोरोना दे नाल जंग लड़ रहा है ते पंजाब भी इस जंग दे विच शामिल है। इस लड़ाई दे विच जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार आम जनता दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है ते उत्थे ही आम जनता भी पंजाब सरकार नू अपना पूरा योगदान दे रही है ते इस दा नतीजा ए है कि अज पंजाब सेहत सेवावां विच होरना राज्यां नालों किते ज्यादा अगे है। इस दा एक सब तो वड्डा उदाहरण फतेह किट है जो कि सेहत विभाग वालों समय सिर लोकां तक पहुंचाई जा रही है। मेरी थोड़े दिन पहला कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी ते आज मैनू फतेह किट हेल्थ डिपार्टमेंट वालों प्रोवाइड की गई है, जिदे विच की जरूरत दीआं सारीआं दवाईआं ने। मैं पंजाब सरकार दा इस वास्ते बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। दरअसल इस किट विच मरीज दे इलाज लई ओ सारीआं दवाईआं अते उपकरण शामिल ने जिस दे नाल मरीज घर च रह के ही कोरोना नू मात दे सकदा है। इस फतेह किट विच 18 चीजां शामिल ने जिस विच डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, विटामिन सी, लिमसी, जिंक दीआं गोलियां, विटामिन D3 कैप्सूल, आयुष कवाद, डोलो अते होर दवाईआं शामिल ने। कोई पीड़ित भी जदों फोन करदा है ता सेहत महकमे दे कर्मचारी उसनू घर जाके फतेह किट मुहैया करवाउंदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने किसी अनहोनी से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को मुस्तैद रहने का बड़ा आदेश जारी किया है और ऐसे में बयान में कहा गया कि कोविड-19 से पीड़ित और अन्य मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि निचले स्थानों और क्षतिग्रस्त भवनों और भूस्खलन वाली जगहों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने संरक्षक मंत्रियों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र में 9 जून से 12 जून के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है और यहाँ अगर कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए खुद को तैयार रखें। उधर यूपी की बात करें तो यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और गौ तस्करों की आमने सामने मुठभेड़ हो गई और इस दौरान कई राउंड गोलियां चली और मौके पर पहुंची पुलिस हरकत में आई और यहां घेराबंदी कर अजमेरी नाम की लड़के को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने आप को पुलिस से घिरता देख अजमेरी ने अवैध तमंचा से पुलिस पर फायर छोड़ दी। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए जवाब में फायरिंग की जिसमें गौ तस्कर के पैर में गोली लगी और यहां घायल अजमेरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। पेखरात क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक अपराधी अजमेरी नाम का पकड़ा गया है जिसके पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पता चला है कि वह जिले का चिन्हित माफिया है, साक्षेन अपराधी है, 25,000 के नाम से पूरे थे और वो अभ्यस्त अपराधी हो गया था। लगभग 2 दर्जन से अधिक उसके मुकदमे हैं और मुकदमे। उधर ओडिशा की बात करें तो यहाँ ओडिशा के बढ़ई ने लकड़ी से पेज बनाए हैं और फिर उन पन्नों में उकेर डाली पूरी हनुमान चालीसा। बता दें प्रतिभा के बेहतरीन इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए ओडिशा के अरुण साहू की जमकर तारीफ हो रही है। एक प्रति वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को और दूसरी प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहते हैं वो भेंट। अरुण ने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे जिले में एक छोटा संग्रहालय हो। मैं अपने संग्रहालय में सभी लोकप्रिय स्थानों और मंदिरों की प्रतिकृति को लकड़ी पर तराश कर वहां रखना चाहता। तो हमारा देश में 2 साल हो गया लॉकडाउन चालू है तो मैं सोचा कि क्या करूं। लॉकडाउन तो चालू है, घर पर बैठे गए, आइडिया क्या कि उटन में एक हनुमान चालीसा बनाया, हनुमान चालीसा ग्रंथ बनाया हिंदी में और मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं इसके माध्यम से दो बनाए हूँ। हमारा जो स्टेट का जो ऑनरेबल CM सर है श्रीयुक्त नवीन पटनायक उनको उनके लिए और एक बनाए हूँ हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाए हूँ। उनको मैं ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा है उनको देने के लिए और मेरा विजन है कि हमारा स्टेट में हमारे जिला में छोटा सा मिनी म्यूजियम मेरा एक छोटा सा ड्रीम है और सब जितने सारे हमारे विश्व के जितने सारे प्रसिद्ध स्थल है जैसे मंदिर है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बताते चले। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ इलाकों में कोरोना कर्फ्यू से अब राहत मिलेगी। तो यहाँ यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लखनऊ गोरखपुर में फिलहाल छूट मिल सकती है, यहाँ लखनऊ गोरखपुर में छूट मिल सकती है तो यहाँ यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में लगातार एक्टिव केस कम हो रहे हैं तो यहाँ लखनऊ में फिलहाल 770 और गोरखपुर में 623 सक्रिय मामले सामने आए हैं। यहाँ एक तरफ तो कोरोना मामले सामने आने लगे थे तो अब फिलहाल यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, यहाँ लगातार एक्टिव केस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना का आंकड़ा अब नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कुछ इलाकों में कोरोना कर्फ्यू में अब राहत दे दी जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, कुछ राहत दी जाएगी, कुछ इलाकों में राहत प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी से, यूपी वासियों के लिए अब राहत की खबर सामने आ रही है। अयोध्या जनपद की बात करें तो यहाँ कोतवाली नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें अयोध्या पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इसी को देखते हुए गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 24 मोटरसाइकिल और एक सेंट्रो को बरामद किया है।
वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि विगत वर्षों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में पुलिस और एसओजी के संयुक्त ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। और एएसपी के निर्देशन और फ्लो सुपरविजन में 31 सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोरों का गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अपराधी और 25 वाहन बरामद किए गए। उन 25 वाहनों में 24 टू व्हीलर है तथा 1 फोर व्हीलर है सेंटो। इन 4 अपराधियों ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती और लखनऊ, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है, 3 जनपदों से ये वाहन लिफ्ट किए हैं। साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम विनोद मिश्रा है, उसके जनपद बस्ती में गैंगस्टर। इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और एप स्टोर पर 9:00 एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोई दिक्कत नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित है। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।